चलिए आज हम लोग सीखेंगे एक बोर्ड बनाना, और ये जो बोर्ड होगा बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे कि अगर आज तक आप हाउस वायरिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो वहां से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि इस बोर्ड का जो भी कनेक्शन होगा उसका हम डायग्राम बना करके भी समझाएंगे और बिल्कुल जीरो से समझेंगे कि आखिर क्या होता है न्यूट्रल फेज, किस प्रकार से हमारा बोर्ड काम करता है, बिल्कुल जीरो से समझने वाले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारी इलेक्ट्रिक की चीजें होती है ना, कोई भी हमारा उपकरण जो होता है वो जब भी काम करता है न्यूट्रल और फेज से काम करता है। मतलब जैसे अगर ये बल्ब है तो ये बल्ब तभी जलेगा जब इसके एक पॉइंट में न्यूट्रल और एक में फेज मिलेगा तब। हाँ, किसी में न्यूट्रल मिले किसी में फेस मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक में न्यूट्रल और एक में फेस की जरूरत पड़ेगी, यानी बिना न्यूट्रल फेस के काम नहीं कर सकता। जैसे समझिए कि जैसे यह एक हमारे पास बोर्ड है, इस बोर्ड के सॉकेट में हम सप्लाई को लगाते हैं और देखते हैं कि यह बल्ब अभी हमारा नहीं जल रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है, स्विच को ऑन करेंगे बल्ब जला, और स्विच को बंद करेंगे बल्ब बंद हुआ। मतलब यह स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है ना, मतलब इसको न्यूट्रल फेस दोनों मिलेगा तभी जलेगा। क्या इसके किसी एक तार को जलते हुए कंडीशन में किसी एक तार को निकालने तो यह बल्ब जलेगा? नहीं ना जल रहा है। क्या इसके दूसरे को निकालने तो जलेगा? नहीं ना जल रहा। किसी एक की कमी के कारण यह काम नहीं कर सकता, जब भी काम करेगा न्यूट्रल फेस दोनों मिलेगा तभी काम करेगा, पहली चीज। दूसरी बात, अगर यह न्यूट्रल और फेस, क्या इस न्यूट्रल और फेस को अगर दोनों को एक ही में जोड़ दिया जाए और गलती से दोनों को किसी कारण से एक ही में खोंच दिया जाए तो क्या यह फ्यूज हो जाएगा? क्या ये तेज जलने लगेगा? क्या दोनों में फेस मिल रहा है? नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए एक अकेला फेस न्यूट्रल और फेस शॉर्ट कब करते हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल अगर कहीं आपस में मिले तो शॉर्ट कर जाएंगे, या फिर अगर एक फेस वन है और एक फेस टू है तब शॉर्ट कर जाएंगे, लेकिन एक अकेला आदमी अपने आप से मार कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता ना। उसी तरह से एक अकेला फेस हो चाहे एक अकेला न्यूट्रल हो, इलेक्ट्रिक को कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। जब भी बस इतना ध्यान देने की बात है कि चाहे हमारा फैन हो, चाहे हमारा रेडियो हो, चाहे हमारा टीवी हो, चाहे कोई भी उपकरण हो, वो काम तभी करेगा जब उसको न्यूट्रल फेस दोनों मिलेगा। ये जो स्विच होती है ना, ये जो बटन होती है ना, ये स्विच का काम सिर्फ इतना होता है, दो पॉइंट को आपस में टच कराना और हटाना। जैसे थोड़ा सा अगर हम यहां डायग्राम पे आपको समझाते हैं, यहां दिखाइएगा, थोड़ा सा डायग्राम पे आपको अगर समझाएं तो जैसे समझिए, ये हमारी अगर है स्विच, स्विच मतलब बटन, और इसमें जो है तार जोड़ने के पॉइंट है दो, मतलब ये स्विच है और इसके तार जोड़ने के दो पॉइंट है ना। अब देखिए जैसे ये बल्ब है और इस बल्ब में अगर एक में न्यूट्रल और एक में फेस मिलेगा तो बल्ब जलेगा ना, तब तो ये बल्ब जलेगा, और अगर किसी एक तार को बीच से तोड़ दिया जाए तो तब तो बल्ब नहीं जलेगा, और अगर इस तार को बढ़ा दिया जाए, ये न्यूट्रल तो न्यूट्रल है, और ये फेस कर दिया जाए और फेस को डायरेक्ट अगर लेके गए तब तो ये जलेगा। तार को यहां से तोड़ दिया और एक तार को स्विच के नीचे जोड़ दिया और स्विच के ऊपर वाले में ये दूसरा जोड़ दिया, मतलब ये सप्लाई यहां से जोड़ दिया, तो स्विच का काम क्या होता है, जैसे ही बटन को नीचे की साइड प्रेस करेंगे ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे से टच हो जाएगा, और जैसे ही टच होगा ये फेस की सप्लाई यहां से होकर एक पॉइंट से दूसरे तक पहुंचने लगेगी, जिससे हमारा ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा, यहां पे कोई भी उपकरण होगा वो काम करने लगेगा। तो ये स्विच का काम सिर्फ इतना होता है, दो पॉइंट को आपस में टच कराना और हटाना, सिर्फ ये दो पॉइंट को आपस में टच कराना और हटाना इतना काम है। और ये उपकरण है, ये बल्ब है, तो बल्ब तब जलेगा जब इसको न्यूट्रल फेस दोनों मिलेगा। अब बात आते हैं पॉइंट पे, अगर इसके कनेक्शन करना है तो कनेक्शन करने के लिए तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले वायरिंग के मात्र तीन नियम होते हैं। अगर हम तीन नियम को समझ लेना तो दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, कोई भी वायरिंग हो, ये सब वायरिंग जो देख रहे हैं ना, कोई भी वायरिंग हो सिर्फ तीन नियमों पे आधारित होती है। वो तीन नियम कौन से हैं? नंबर एक, नियम नंबर एक समझिए कि नंबर एक नियम होता है कि न्यूट्रल के वायर को, जब भी हम घर की वायरिंग शुरुआत करते हैं इतना फिक्स है कि दो तारों से वायरिंग होगी, एक होगा न्यूट्रल और एक होगा फेस, तो जब भी वायरिंग करेंगे मानेंगे कि न्यूट्रल के वायर को सबसे पहले ये दो तार हैं, किसी एक को न्यूट्रल मानिए। कलर की बात करें तो अगर रेड और ब्लू कलर है तो ब्लू को न्यूट्रल मानेंगे, रेड और ब्लैक कलर है तो ब्लैक को न्यूट्रल मानेंगे, और ऐसा नहीं कि नहीं ब्लैक में अगर फेस दे दे तो लाइट नहीं जाएगी, ऐसी तो बात है नहीं, लाइट तो जाएगी, ये सिर्फ कलर की बात है ना, ये हमें पहचानने के लिए कलर कोडिंग हम लोगों ने बना रखा है, ये कंपनी की तरफ से बन के आया हुआ नहीं है, मतलब इस तरह का नहीं है कि ये ब्लू वाले में फेस देंगे तो नहीं जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें पहचानना चाहिए ना, हम मिस्त्री है तो हमें जानना चाहिए ना कि पिछला मिस्त्री कुछ और करके गया है, अगला मिस्त्री कुछ और कर दे तो दिक्कत हो जाएगी, तो न्यूट्रल के वायर को
सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। ये हमारा नियम नंबर एक है। न्यूट्रल के वायर का मतलब समझ पा रहे हैं, ये न्यूट्रल का तार है, ये न्यूट्रल का तार है। एक ले लेते हैं ये वायर कटर, देखिए इसको हम बोलते हैं वायर कटर, इंसुलेटर कटर भी बोलते हैं, इसको ले लेते हैं। और सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारी एक मेन लीड है, इसको थोड़ा सा बड़ा देखिए काट लेते हैं, और ये बड़ा जो काट लेते हैं इसको मेन बनाएंगे। ये हमारा सबसे पहले मेन लीड है, हमारे पास दो तार मिल गए, समझिए कि ये हमारा मेन न्यूट्रल और फेस आया हुआ है, कहीं से खंबे से आया हुआ है और ये दोनों तार हो गए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यूट्रल की वायरिंग करनी है। तो ये ब्लू वाला हमारा न्यूट्रल है, इसको ब्लू वाले को हमने न्यूट्रल माना, और न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। तो उपकरण का मतलब क्या होता है, जैसे ये बल्ब है ना, ये उपकरण है, ये बल्ब है ना, ये उपकरण है, ये इंडिकेटर है ना, ये उपकरण है। अगर कोई फैन होता, पंखा होता, वो उपकरण है, कोई टीवी है, वो उपकरण है। मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक पार्ट जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों की जरूरत पड़ती हो उसे उपकरण कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक पार्ट जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों की जरूरत पड़ती हो उसे उपकरण कहते हैं। तो ये जो बल्ब है ना, ये उपकरण है। तो इस बोर्ड को अगर हमें बनाना हो तो टोटल कितने उपकरण है, एक बल्ब है और एक इंडिकेटर है, सिर्फ दो उपकरण है ना। और दोनों उपकरणों में या किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण में तार जोड़ने के लिए जो पॉइंट होते हैं वो सिर्फ दो होते हैं। तो ये बल्ब है, बल्ब के दोनों पॉइंट यहां पे हैं, ये इंडिकेटर है इधर साइड में, इंडिकेटर के भी दोनों पॉइंट यहां है। तो दोनों उपकरणों के यानी बल्ब का एक पॉइंट और ये न्यूट्रल वाला पॉइंट हम ले लेते हैं जिसको हम न्यूट्रल मान रहे हैं। न्यूट्रल का पॉइंट को पहले तो एक के में जोड़ देते हैं, तो ये न्यूट्रल पहुंच गया बल्ब तक। और इसी न्यूट्रल को नजदीक से दिखाइएगा, इसी न्यूट्रल को हम यहां पर इसके इंडिकेटर में जोड़ देते हैं। ये देखिए ये इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ देते हैं, ऊपर जोड़ दें चाहे नीचे जोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। हमने किसी एक में इसको जोड़ दिया न्यूट्रल के वायर को, इंडिकेटर में भी देखिए यहां पे पहुंच गया और बल्ब में भी पहुंच गया। ये देखिए हमारा कंप्लीट हुआ, ये मेन तार है और न्यूट्रल डायरेक्ट यहां पे इंडिकेटर में गया, यहीं से गया हमारे बल्ब के लिए। तो न्यूट्रल की वायरिंग बस इतनी सी है और ये हो गई कंप्लीट। अगर इसमें एक आध बल्ब और होता, जैसे मान लिया ये वाला बल्ब है, ये भी इसी में लगाना है, तो कहां लगाएंगे इसको, ये इसको भी उसी में लगाएंगे जहां ये सब जोड़े हैं। मतलब न्यूट्रल सभी में तो डायरेक्ट जाना चाहिए ना, तो इसको भी हम उसी में जोड़ देते हैं। तो चलिए इसको जोड़ ही देते हैं, एक और बल्ब अलग से एक्स्ट्रा हो जाए। तो इस बल्ब को लेकिन कंट्रोल करने के लिए हमारे पास स्विच नहीं होगी, फिर भी चलिए जोड़ देते हैं इसको, इसी में लगा देते हैं। और देखिए एक ही में लगा दिया हमने और न्यूट्रल अब क्या हुआ, तीनों में यानी कि एक इंडिकेटर में और एक बल्ब यहां है, दूसरा बल्ब यहां है, सभी में न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट पहुंच गया। अब देखिए न्यूट्रल की वायरिंग यहां पे हो जाती है कंप्लीट। अब बात है फेस की, ये हो गया फेस। तो फेस के वायर को सभी स्विचों, स्विचों मतलब बटन, ये स्विच है ना, ये बटन है, सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। समझिए थोड़ा सा एक बार इधर से दिखाते हैं आपको, ये जो वायरिंग है सेम इसका डायग्राम हम यहां पर आपको बना करके एक बार दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले इसके अंदर दूसरी साइड में बनाते हैं, एक स्विच हो गई है, सबसे पहले इसके अंदर एक इंडिकेटर लगा हुआ है, तो एक इंडिकेटर हो गया तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट। इसके बाद इसके अंदर हो गई है स्विच हमारी, एक स्विच, फिर हो गई है दूसरी स्विच, और फिर इसके बाद इस बोर्ड के अंदर है 5-pin socket यानी 5 pin वाला सॉकेट, और उसके अलावा इसके अंदर एक है बल्ब, तो इसका हमें कनेक्शन करना है। हमने क्या किया, न्यूट्रल को उठाया है और इंडिकेटर में जोड़ दिया और बल्ब वाला एक तार भी इंडिकेटर में जोड़ दिया, इतनी वायरिंग किया है। इसके अलावा हमारे पास ये जो एक अलग से बल्ब था, इस बल्ब को देखिए अगर हम यहां पे लगाएं तो क्या किए, इस बल्ब का भी एक तार इसी वाले न्यूट्रल में हमने इसको जोड़ दिया है। तो न्यूट्रल का वायर सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। अब नियम नंबर दो, नियम नंबर दो क्या होता है, फेस के वायर को, ये जो फेस है रेड वाला, फेस के वायर को सभी स्विचों, स्विचों का मतलब बटन, सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर स्विच कितनी है, तो इसके अंदर स्विच है यानी बटन है केवल दो, तो दो बटन है ना, तो दोनों बटन के जो नीचे का पॉइंट है दोनों में फेस को जोड़ना है। तो करेंगे क्या, इसकी साइज का लगभग नाप लेंगे और इतना बड़ा, इसको हम बोलते हैं कि मेजरमेंट करना, इसको हम इतना बड़ा नाप लेंगे और नापने के बाद इसके ऊपर के इंसुलेटर को हटा देंगे। इंसुलेटर क्या होता है समझते हैं ना,
करना, ऐसी वस्तु जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है उसे इंसुलेटर कहते हैं। तो इसके ऊपर को इंसुलेटर को हटा लिए और ये जो नीचे होता है जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर को देखिए हमने सही कर लिया। और इसके बाद इसके तार के अंदर हम डाल देते हैं, यहां से क्या करें एक स्विच के निचले वाले पॉइंट से डाल करके पार कर देते हैं और दूसरी स्विच के निचले वाले पॉइंट में भी ले जा करके इसको हम यहीं पे जोड़ देंगे। तो दूसरी स्विच के भी लेके गए दूसरी स्विच में और इसको हम यहां पे मोड़ करके स्क्रू ड्राइवर की सहायता से यानी पेचकस की सहायता से इसको टाइट कर देते हैं। इस तरह से लगा करके हम इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए नियम नंबर दो भी हमारा यहां पे क्लियर हो गया कि फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। नियम नंबर दो हमारा पूरा हो गया। अब नियम नंबर तीन, दो की कितना आसान है ना। अच्छा जब आप अगर कॉपी पे बनाएंगे ना इसके नियम को, देखिएगा यहां थोड़ा सा दिखाइए, ये फेस का वायर है। नियम नंबर दो में हमने क्या किया, फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है ना। देखिए यहां के दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में हमने जोड़ा, एक चीज छूट गया अभी, इंटीग्रेटर में भी जोड़ना होता है क्योंकि इंटीग्रेटर को किसी स्विच से तो जलाना नहीं है, डायरेक्ट जलाना है ना। तो फेस का वायर इंटीग्रेटर में भी जाएगा और दोनों स्विचों में भी जाएगा, मतलब ये तीनों में लगातार रहेगा साइड से। तो यहां पर यहां से यहां तक के लिए एक तार इसमें और लगाने की जरूरत है, तो हम इसको लगा लेते हैं। तो देखिए फेस के वायर को दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में और उसके बाद इंडिकेटर के भी एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से हमारा यहां का नियम के अनुसार ये पूरा हो गया, दो नियम हमारे पूरे हो गए। नियम नंबर तीन, नियम नंबर तीन ये होता है कि स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, यानी ये जो बटन है इसमें अभी ऊपर का एक एक पॉइंट खाली है, ऊपर के साइड का एक एक पॉइंट खाली है, तो स्विचों का बचा हुआ जो एक एक पॉइंट है उसको उपकरणों के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देना है। जैसे समझिए ये एक स्विच है, यहां पर दिखाते हैं आपको, नजदीक से दिखाइए, ये हमारा उपकरण है और ये स्विच है। अगर ये उपकरण को, इस बल्ब को हम यहां पे जोड़े तो इसी स्विच से ये उपकरण काम करेगा, जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ेंगे उसी से वो काम करेगा। जैसे अगर हम इस स्विच से यहां जोड़े तो इससे काम करेगा, अगर यहां जोड़ दे तो इस वाली स्विच से ये बल्ब जलेगा, जिससे जोड़ेंगे उसी से वो काम करेगा। अगर हम चलिए यहां पर इसी को जोड़ देते हैं यहां पे, और अगर ये 5-pin socket में जोड़ना होता तो जैसे ये दोनों हमारे बल्ब है उसी प्रकार से हमारा वो उपकरण होगा। यहां पर देखिए हम क्या करते हैं कि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ दिया, तो ये क्या होगा कि अब हमारी इस वाली स्विच से ये वाला बल्ब जलेगा। एक हमने अलग से यहां पर बल्ब लगाया हुआ है, इसको हम इस दूसरी वाली स्विच से कर देते हैं। तो इसको भी करने के लिए क्या करेंगे, ये उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट और स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट को आपस में डायरेक्ट जोड़ देंगे, यही हमारा नियम होता है। तो इसको भी लगाएंगे हम यहां पर और इसको जोड़ देते हैं। देखिए बिल्कुल जीरो से समझ रहे हैं, बिल्कुल आसानी से। तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ दिए। अब इस अवस्था में ये जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है, अब ये काम करेगी। इसमें देखने की बात ये है, ये जो 5-pin socket है इसका तो हमने कनेक्शन नहीं किया। अगर करना चाहते हैं तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो किसी स्विच से करना चाहे तो किसी बल्ब के साथ कर सकते हैं, या फिर चाहे तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट करना चाहे तो हम कहां कहां तार जोड़ेंगे, सबसे पहले नियम नंबर एक जो था हमारा, न्यूट्रल के वायर को उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ना है, मतलब वो न्यूट्रल इसमें भी पहुंचेगा। और उसके बाद फेस के वायर जो स्विचों में डायरेक्ट पहुंचा है, डायरेक्ट अगर सर्किटियों में पहुंचा दिया जाए तो ये सर्किट भी काम करने लगेगी। इस प्रकार से हमारा वायरिंग हो गया। अच्छा एक बार पहले हम इसको चालू करके दिखाते हैं फिर आगे समझाते हैं आपको। देखिए नियम नंबर तीन में हमने क्या किया, यहां पर डायग्राम में एक बार दिखाइए, इसमें समझाते हैं। देखिए नियम नंबर तीन में हमने क्या किया, ये स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट है, ये उपकरण का बचा हुआ एक पॉइंट है, स्विच को उपकरण से जोड़ दिया। ये स्विच का बचा हुआ पॉइंट है, ये उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट है, स्विच को उपकरण से जोड़ दिया। दोनों उपकरण हमारे, ये दोनों उपकरण काम करेंगे इन दोनों स्विचों से। चालू करते हैं और इसको चेक करते हैं, इंडिकेटर भी काम करना चाहिए। यहां पर स्विच को बंद किया, सप्लाई दिया हमने, बिल्कुल यहां पर प्लस और माइनस किसी भी तरफ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल फेस किसी भी तरफ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से हमने पावर दे दिया, स्विच को ऑन करते हैं। देखिए ये बल्ब भी हमारा जल गया, इंटीग्रेटर भी जल गया, हम इसको बंद करते हैं। सबसे पहले एक बल्ब इसमें और लगाते हैं, यहां पर एक बल्ब और लगा देते हैं। अब देखिए हम एक स्विच को ऑन कर रहे हैं तो देखिए ये हमारा बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है, और अगर हम दूसरी स्विच को ऑन कर रहे हैं तो ये हमारा दूसरा बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। मतलब इस प्रकार से कहने का मतलब यही है, बस सिर्फ इतना है कि जो वायरिंग के तीन नियम है उनको फॉलो करिए, पूरी वायरिंग कंप्लीट। नियम नंबर एक क्या था, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के यानी बल्ब सॉकेट के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दीजिए।
फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दीजिए। और तीसरा नियम क्या था कि स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट को आपस में डायरेक्ट जोड़ दीजिए और सारे उपकरण हमारे इसी प्रकार से काम करने लगेंगे। इस प्रकार से हम किसी भी बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। इन तीन नियमों के आधार पर हम सभी बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। इस वायरिंग से रिलेटेड अभी आपका अगर कोई सवाल या सुझाव बचा हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमारा दूसरा चैनल MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट नाम से है, उसको भी जाकर के देखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।